नहीं कहना तो ये है कि रंडे की सरकार और जूठे की बोछार है, लेन देन में खकनी साहूकारी में सकनी, जुमले भी अटाड़े की बजाय डकड़े में विश्वास करे या सरकार। पर फिर आज नई अपडेट के साथ फिलहाल हम खड़े हैं खटकर टोल प्लाजा, जहां पर 200वीं जयंती है जो दयानंद सरस्वती जी की मनाई जा रही है, और वहां पर एक चर्चित और किसान नेत्री हम कह सकते हैं सिकिम सोकंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आइए उनसे जानते हैं आखिर इस विधेयक पास कर राज्यसभा में और लोकसभा में लेकर आई है, क्या कहेंगे नारी शक्ति को लेकर? नहीं कहना तो ये है कि रंडे की सरकार और जूठे की बोछार है, लेन देन में खकनी साहूकारी में सकनी, जुमले बाज है, एक नया जुमला लेकर आई है, ये हमने बेवकूफ बना हुआ है, ना तो 15 लाख दिए मरे, ना मतलब रोजगार पे बात कर सकते हैं, रोजगार है ही नहीं, ना ये 100 स्मार्ट सिटी दी, और 2 जो G20 था उसके हालात आपने देखे होंगे, दिल्ली की स्त्रियां हर एक पर ज्यादा डक दी, तो गरीबी अटाड़े की बजाय डकड़े में विश्वास करे या सरकार। तो 2023 और 2024 में बहुत से राज्यों में इलेक्शन है, तो इस कहते की जुमला लेकर आए है डुगडुगिया आमिश डुगडुगिया ने लिंदे को। नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आ रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्या उनको नरेंद्र मोदी की शक्ल भी देखकर राजी को नहीं, ढोल नगाड़े तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि नहीं हमें टॉपिक ने अंदर तक जाकर देखा। हाँ जिस तरह काले कानून है, लोगों ने कहा बड़े अच्छे है काले कानून, इनमें क्या फर्क है, मतलब ये तो बड़े अच्छे है, पर उसमें कुछ ऐसी लाइने थी जिसको हमने गहराई से पढ़ा, वो एक काम यू है ऊपर तक तो मोदी जी चमका है यू महिला अधिनियम भीतर इसका कुछ को नहीं जुक रही, मोदी फिर रोंदा देश खाली कर दिया, क्या मेन कमी नहीं सारी ये कमी है कह तो दिया नहीं। एक बात बताओ आप देखोगे उसने इतनी तो लुगाई भी फैशन को नहीं मार दी जितना हमारा प्रधानमंत्री मारा, रोजगार नहीं सुरक्षा नहीं पर चेहरा चमकान में नंबर एक है, मैंने तो लगा एक ब्यूटी पार्लर और एक कैमरा वाला परमानेंट रह कर रखा है, शर्म आना चाहिए इनकी, जब हमारे देश में विदेशी लोग आवे उनकी वो झोपड़ी दिखाई ढकी हुई शर्म नहीं आती इसने, यूं मुंह चमकान की बजाय उन लोगों की जो मजबूरियां है जो रोजगार है उसको ऊपर उठाना चाहिए था, पर इसी उल्टा काम करे। लेकिन बीजेपी वाले तो राग लाप रहे हैं भाई भारत को सदस्यता वो करने की वो मिल गई, मोदी जी लेके आए G20, मोदी जी G20 लेकर आए, इससे पहले इंदिरा गांधी के राज में भी G20 हुआ था, इतना नाटक बिल्कुल नहीं होया, ये तो वो बात है कुछ भी हो। एक बात बताओ कुत्ते ने चित्ते लेके आए देश में रोजगार की कितनी, ये आज हमारे जो दयानंद जी हैं उनकी 200 आप एक बात बताओ हमारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाया एक तरकीब दिखाई, जिन लोगों ने आपने भी पता है कि आडंबर के खिलाफ उन लोगों ने कितनी बड़ी एक मुहिम चलाई थी, महिलाओं के एक बराबर का अधिकार दिलवाने का काम किया था, और शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जो हम ये कह सकते हैं शिक्षा के ऊपर यदि काम किया तो आर्य समाज ने किया, और उसकी 200 जयंती है उसी को हम फूल अर्पण करने के लिए आए। बहुत बहुत